हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर वीडियो। आज हम लोग ये जो वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये जो कैश फॉर क्वेरी, ये क्या है, इसमें मोहमित्रा कैसे यहाँ पे उनको बार बार घसीटा गया, उसके बाद ये जो जय अनंत ध्यावी, ये कौन है, बहुत जगह पे बोला जाता है कि ये बॉयफ्रेंड है, बहुत जगह पे बोला जाता है कि ये उनका फ्रेंड था, और ये जो हेनरी का जो चोरी हुआ था, मतलब एक कुत्ता था, तो उनका जब चोरी हुआ था तो इसका क्या कनेक्शन है। उसके बाद देखिएगा कि दर्शन हीरानंदानी जो प्रोमिनेंट है और जो एकदम सामने आ चुका है और आके बहुत जगह पे बयान दिया है, तो ये दर्शन हीरानंदानी कौन है, अदानी के साथ क्या उनका कनेक्शन है। इसके बाद देखिए, सच में मोहमित्र जी ने ये जो चीज किया है, ये बहुत ही शेमफुल है एंड बहुत ही खराब चीज प्रेजेंट करता है लोगों के सामने, बट फॉर हर ये जो नॉर्मल चीज है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये सब चीज नॉर्मलाइज हो चुका है। उसके बाद ये जो पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन आवर का जो मिसयूज किया है मोहमित्र जी ने, तो ये जो करने का उनको जो उनके ताकत किसने दिया है, तो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पार्लियामेंट का मतलब, मान लीजिए आप पार्लियामेंट का एक एमपी है तो आपके पास कुछ प्रिविलेजेस होगा, तो मोहमित्र जी ने ये जो प्रिविलेज उनको मिला था उनको कैसे मिसयूज किया है, ये सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं, अभी कोची में है, डिस्प्रेशन में है सर, अभी कुछ नहीं बताएंगे, नहीं कुछ नहीं बताएंगे, अभी डिस्प्रेशन में है जी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोहमित्र जी ने पास्ट में क्या क्या किया है, क्योंकि आप मान लीजिए किसी भी इंसान का जब आप पास्ट देखेंगे ना, तो उसे उस इंसान का आप बोल लीजिए एक क्वालिटी आपके सामने आ जाएगा, या आप बोल लीजिए उनका क्या मेंटालिटी है वो आपके सामने आ जाएगा। अब बहुत जगह पे ये भी बोला जाता है साइकोलॉजी में कि मान लीजिए आप किसी का पास्ट सही से एनालाइज कर पाएंगे ना, तो उससे क्या होता है कि आप उनका प्रेजेंट बिहेवियर या फ्यूचर में वो क्या एक्शन लेने वाली है, तो ये सब के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। तो इसके वजह से हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो मोहमित्र जी है, मोहमित्र जी ने पास्ट में क्या क्या किया है, हम उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाली गलौज करना या किसी को नीच बोलना, ये सब कॉमन चीज है मोहमित्र जी के। इवन दो सीजन एमपी, ठीक है, वो ऐसा नहीं कि किसी कॉमन पीपल है कि, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उनका जो पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज है उसको यूज करके किसी को गाली गलौज करना, किसी को असॉल्ट करना, उन्होंने ये चीज किया है। आपको पता होगा ये असम में जब फीमेल एक कॉप था, एक फीमेल पुलिस वाली थी, तो उनके साथ इन्होंने बहुत ही एकदम बदतमीजी किया था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। उसके बाद एकदम नेशनल टीवी में अर्णब गोस्वामी को शायद उन्होंने मिडिल फिंगर दिखाया था। इसके बाद ये जो हमारा आपको पता होगा ये जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, उनको तो ठीक है दिन रात आप गाली दे रहे हैं। इवन उन्होंने क्या किया है, जो हमारा एक सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको भी गाली गलौज कर दिया था। उसके बाद ये जो आपको पता होगा पुलवामा में जब टेरर अटैक हुआ था, तब उस टेरर अटैक को ग्लोरीफाई किया था मोहमित्र जी ने। उसके बाद ये जो इंडिया को बोल दिया था कि सुसुपोटी डेमोक्रेसी है, उसके बाद पार्लियामेंट में खड़े होकर उनका प्रिविलेज का मिसयूज करते हुए उन्होंने एकदम क्लियरली बोल दिया था कि हरामी, ये एकदम वर्ड उन्होंने बोला था, वो एक बीजेपी का कोई एमपी था क्योंकि उन्हें हैकल कर रहा था, तो इसके वजह से हरामी बोला था। और उसके बाद राजदीप सरदेसाई ने वो जो स्टेटमेंट था ना उसको जस्टिफाई करके एक वीडियो पब्लिश कर दिया था। इवन आप देखिएगा ये जो कैश फॉर क्वेरी है ना, इसके ऊपर भी राजदीप सरदेसाई के साथ भी उन्होंने इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने जब पूरा ये जो ऐप था ना इसको जस्टिफाई कर दिया, मतलब कोई चीज आप गलत कर रहे हैं उसको गलत आपको मानना ही नहीं है, आप क्या करेंगे बार बार वही चीज को जस्टिफाई करेंगे, और जस्टिफाई करने के लिए आप एक प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, और वो प्लेटफॉर्म हर बार एक ही पर्सन होता है, वो है राजदीप सरदेसाई। उन्होंने हिंदुओं को ठीक है तो गाली दिया है, अब इंडिया में क्या है कि हिंदू होकर हिंदू को गाली देना ये कॉमन चीज है, तो बट ठीक है इसको भी आप थोड़ा साइड में रख सकते हैं, बिकॉज ये चीज एकदम नॉर्मलाइज्ड है। अदरवाइज उनका जो वोट बैंक है ना, पूर्व वोट बैंक इन कृष्ण नगर, वो आपको वोट नहीं देगा। एट द सेम टाइम ये जो टीएमसी किसी पार्टी का जो आइडियोलॉजी है ना, ये आइडियोलॉजी थोड़ा लेफ्ट की तरफ है, ठीक है, तो जिसके वजह से ये सब काम करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू रिटेनिंग पावर। हम लोग क्लियरली आ जाएंगे कि ये कैश फॉर क्वेरी, ये कैश फॉर क्वेरी क्या है। देखिए, जो मोहमित्र जी ने ये सच में उनका जो आप बोल लीजिए प्रिविलेज था, या उनको जो एक इम्यूनिटी मिलता है, तो उनका एकदम कंप्लीटली उन्होंने अब्यूज किया है। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अब्यूज हर एमपी प्रिविलेज एंड कलेक्टेड द कॉन्फिडेंशियल पॉलिसी इन्फॉर्मेशन इन एक्सचेंज ऑफ मनी, पॉलिसी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पार्लियामेंट प्रोसीडिंग एंड गिव इट टू हीरानंदानी इन एक्सचेंज ऑफ मनी। अच्छा, उनको सिर्फ क्या पैसा मिला है? नहीं, उनको सिर्फ पैसा नहीं मिला है, उनको क्या क्या मिला है, पैसा छोड़ के, पैसा तो मिला ही मिला है, पैसा छोड़ के उन्हें मिला है ये आईफोन मिल गया है उन्हें, उसके बाद ये जो डायमंड या गोल्ड ज्वेलरी वो भी मिला है, मिल गया है, इसके बाद जो ब्रांडेड चीजें हैं फॉर एग्जाम्पल स्कर्ट्स फ्रॉम हार्नेस उनको मिला था, उसके बाद ये जो लग्जरी बैग फ्रॉम लुइस वेटन उसको वो भी मिल गया था, 30 पेयर शूज ऑफ साल्वाडोर फर्मागो वो मिल गया था, फ्रेंच वाइन और इटालियन शिगर वो भी मिला है, इसके बाद गुची का बैग, बारडूडी क्रोकोडाइल का लेदर बैग, कैश एंड ब्रिटिश पाउंड्स भी मिला है। बहुत जगह पे ये भी बोला जाता है कि उनको ऑलमोस्ट मोर देन 20,000 पाउंड्स उन्होंने मिला है। उसके बाद बहुत सारा जो कौन कौन सा क्वेश्चंस है जिसके वजह से उनको पैसा मिला है, वो सब जो क्वेश्चंस है ना मैं यहाँ पे आपको ऐड कर दूंगा। एट द सेम टाइम उन्हें 2020 में हीरा चंदानी जी से, ठीक है, तो
उनसे 75 लाख मिला था और 2021 में उन्हें 2 करोड़ रुपया मिला था। उनको हॉलीडे पैकेजेस भी मिला था। उसके बाद ये जो मर्सिडीज जी वैगन जिनका जो मतलब कॉस्ट आता है 2 करोड़ के आसपास, वो भी मिल गया था। उसके बाद उनका घर में जितना भी फर्नीचर है या घर को रिनोवेट करने के लिए जो आर्किटेक्चर है, सब ये जो हीरा चंदानी जी ने प्रोवाइड किया था। अब आ जाते हैं कि हीरा चंदानी जी को फर्स्ट मोहम्मद मित्र से कब मुलाकात हुआ था। ये हुआ था वेस्ट बंगाल में, देखिएगा एक टेंडर आया था, ठीक है। उस टेंडर में एक्चुअली जो वो टेंडर निकला था तो वहां पे हीरा चंदानी जी और अदानी दोनों मिलकर फाइट कर रहा था और अदानी जी को वो टेंडर मिल गया था। और उसी टाइम से हीरा चंदानी जी ने डायरेक्टली मोहम्मद मित्र को अप्रोच किया था क्वेश्चंस था, जिस क्वेश्चंस के वजह से उनको मान लीजिए इतना चीजें मिला है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस दे दूंगा, वहां पे आप देख लीजिएगा कि उन्होंने जितना भी क्वेश्चंस पूछा था ना, ऑलमोस्ट 50 to 60 questions, आई थिंक मोर देन 48 to 50 क्वेश्चंस जो था वो इधर अदानी के अगेंस्ट में था और वो क्वेश्चंस क्या था, डायरेक्ट हीरा चंदानी जी को सपोर्ट करता था, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चंस में यहाँ पे ऐड कर दूंगा। उसके बाद देखिएगा ये जो पूरा कंट्रोवर्सी है ना, पूरा कंट्रोवर्सी में पिनाकी मिश्रा का भी नाम आया है। अब पिनाकी मिश्रा कौन है? पिनाकी मिश्रा ये उड़ीसा का एमपी है, ठीक है, और इसके वजह से संबित पात्रा का भी थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी हुआ था। बट ये जो हमारा वीडियो का टॉपिक है ये थोड़ा अलग है तो हम उस डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। इसके बाद दिखेगा कि बार बार बहुत लोग बोल रहे हैं कि हीरा चंदानी जी ने ये सब जो भी जितना बोला है ये सब किसी के प्रेशर में आके बोला है, लेकिन हीरा चंदानी जी ने डायरेक्टली वो एक एफिडेविट सबमिट किया है जहां पे उन्होंने क्लियर बोला कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, मैंने ये काम किया है, इसके बदले में मैंने मोहम्मद मित्र जी को पैसा दिया है, उन्होंने ये क्लियर बोला। और उसके बाद मोहम्मद मित्र जी इतना दिनों के बाद उन्होंने बोल दिया कि हाँ हमने मेरा जो लॉगिन क्रेडेंशियल है मैंने उनके साथ शेयर किया था। तो एमपी से इतना एमपी में मोहम्मद मित्र जी को हर किसी ने कैसे पकड़ लिया या मोहम्मद मित्र जी ने जी को ही क्यों बोल रहा है कि आपने ये चीज किया है और मोहम्मद मित्र जी ने खुद बोला है कि मैंने ये किया है। तो आप ये चीज सोच लीजिए कि पूरा हमारे पास ऑलमोस्ट 443-442 इसके आसपास लोकसभा में एमपी है। तो लोकसभा एमपी में हर किसी ने मोहम्मद मित्र जी को चूज क्यों किया, उसके पीछे रीजन ये है कि मोहम्मद मित्र जी का जो कम्युनिकेशन क्या करते हैं ना, वो कंपेयर करेंगे आप किसी और से तो वो बहुत ज्यादा है, अच्छा है इन नेगेटिव सेंस। ऐसा नहीं कि वो उनका कम्युनिकेशन से किसी का भला हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्ट मतलब और एवरी टाइम वो टारगेट करता है मोदी जी को, टारगेट करेगा और अदानी जी को टारगेट करेगा। और यही एक्चुअली एक जो नैरेटिव बिल्ड होता है ना कि मोदी और अदानी भाई भाई या मोदानी, ये जो वर्ड बार बार बोला जाता है, तो ये नैरेटिव बिल्ड करने में मोहम्मद मित्र जी का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है और वो इसमें एकदम माहिर भी है। एट द सेम टाइम देखिएगा ये जो पूरा इशू में सुचेता दलाल का भी नाम आया है, सुचेता दलाल के ऊपर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि उसमें आपको बहुत और भी कुछ जानने को मिलेगा। तो ये जो पार्ट है उसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं। इसके बाद देखिएगा कि ये जो हीरा चंदानी जी से मोहम्मद मित्र का मुलाकात कब हुआ, मुलाकात हुआ था बंगाल ग्लोबल समिट, ऐसा हुआ था 2017 में हुआ था। मतलब ये जो चीज जो चल रहा है ना कि मैं आपको हेल्प करूंगा मोदी को डाउन करने के लिए, मतलब एक होता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को डाउन करने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा तो इसके वजह से मुझे एक पैसा दे दीजिए, जो कि अनएथिकल है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अनएथिकल है, लेकिन उनके लिए नहीं, सब कुछ एथिकल है। तो ये जो एक ब्लैकमेल टाइप का या गोल्ड डिगर टाइप का जो इमेज है ना, वो गोल्ड डिगर टाइप का जो इमेज ये मोहम्मद मित्र जी के ऊपर एकदम फिट बैठती है। जो एकदम महत्वपूर्ण पार्ट में जहां पे बहुत जगह ये बोला जाता है या बोल रहा है कि बीजेपी को टारगेट किया है या निशिकांत दुबे को टारगेट किया है या मतलब अदानी को टारगेट किया है, अब हम लोग बोल रहे हैं कि देखिए ये सब क्वेश्चंस है ही नहीं। तो मेन क्वेश्चंस क्या है, मेन क्वेश्चन है नेशनल सिक्योरिटी का, ठीक है। उन्होंने मोहम्मद मित्र जी ने क्या किया, उनका जो एक कॉन्फिडेंशियल लॉगिन पर पासवर्ड है, मतलब यूजर आईडी एंड पासवर्ड है, वो क्या क्या है, उन्होंने दुबई में किसी को दे दिया, दुबई में दिया, किसको दिया है, वो है हीरा चंदानी जी को दे दिया। तो क्वेश्चन से ही है कि आप आपका जो कॉन्फिडेंशियल चीज है, योर यूजर आईडी और पासवर्ड, वो आप पासवर्ड एक थर्ड पार्टी को दे कैसे सकते, और वो भी मतलब मान लीजिए इंडियन सॉइल में वो उस टाइम पे बैठा नहीं था, हीरा चंदानी जी वो दुबई में बैठा था उस टाइम पे वो दिया था, और वो जो लॉगिन मतलब क्रेडेंशियल उन्होंने जो दिया था, ठीक है, लॉगिन के लिए आपका जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड वो एक्सेस हुआ था दुबई से हुआ था। तो ये जो मेन जो इशू है या मेन जो प्रॉब्लम है वो है नेशनल सिक्योरिटी का, ना बीजेपी का है, ना निशिकांत दुबे है, ना अदानी है, ना मोदी जी है, ये है नेशनल सिक्योरिटी का। एक आप बोल लीजिए, एक जो एमपी है उनको जनता ने इलेक्ट करके उनको भेज दिया लोकसभा में, लेकिन उनको उन्होंने क्या किया, वो जाके वो जनता को थप्पड़ मार दिया, वो जनता को बोलता है कि तुमने मुझे जो इलेक्ट किया है तो तुम बेवकूफ हो, मैं स्मार्ट हूं इसीलिए मैं तुमको बेच दूंगा, और यही काम किया है मोहम्मद मित्र जी ने। आप एक एमपी है, एमपी होके आपने जो लॉगिन क्रेडेंशियल है, योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप हीरा चंदानी जी को दे रहे हैं, ठीक है, तो ये भी तो हो सकता है आप यूजर आईडी और पासवर्ड किसी और को दे रहे हैं, ठीक है, मतलब ये है कि सीआईओ को दे रहे हैं या सोरोस को दे रहे हैं, जो लोग सुबह से रात तक क्या करता है एंटी नेशनल एलिमेंट है उसको ट्रिगर करता है, एंटी नेशनल जितना काम हो सकता है आप कर सकते हैं। देखिए आइडियोलॉजी का डिफरेंस होना ये खराब चीज नहीं है, बहुत सारे लोग होता है कि कांग्रेस को सपोर्ट करता है या टीएमसी को सपोर्ट करता है, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है, लेकिन
ये क्या होता है कि इतना दूर तक तो ठीक है, आइडियोलॉजी के ऊपर डिफरेंस आता है, लेकिन आइडियोलॉजी के डिफरेंस के चक्कर में क्या कर रहे हैं कि आप जो नेशनल सिक्योरिटी है इंडिया का वो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो चीज गलत है ना। ये जो काम उन्होंने किया है ना, ये काम आता है ट्रीजन के अंडर, ठीक है। ये जो ट्रीजन है, कॉन्स्पिरेसी है, इसके अंडर आता है। ये जो एक्ट उन्होंने किया है, ये टेररिज्म के अंडर आता है। और मोहम्मद और ये जो काम सच में नेशनल सिक्योरिटी का, आप जब भी आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना, तो उस टाइम पे अजमल कशा और ये जो मोहम्मित्रा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही इंडिया के अगेंस्ट में काम करता है। इसीलिए देखिएगा कि इंडिया में बार बार ये जो 2.5 वॉर है ना, 2.5 वॉर ये बार बार बोला जाता है ना, तो यही एक मेन प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चंस ये है कि ये जो 0.5 जो पार्ट है ना, इस वॉर को कौन कौन ट्रिगर कर रहा है, कौन कौन सा एक्ट कंपाइल होकर एक बड़ा चीज होता है, तो यही हमें जानना है। चाइना पाकिस्तान का तो काम ये है कि ठीक है इंडिया के अगेंस्ट में जाएगा, लेकिन इंडिया में बैठ के आपको आइडेंटिफाई करना है कि 0.5 वॉर में कौन कौन इन्वॉल्व है, और उसमें मोहम्मित्रा का जो नाम है ना एकदम ऊपर आता है। उस बहुत जगह पे ये मोहम्मित्रा जी ने पहले एक नैरेटिव सोशल मीडिया में चालू किया था कि हमारा एमपी का जो लॉग इन क्रेडेंशियल है, फॉर एग्जाम्पल योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो वो यूजर आईडी एंड पासवर्ड शेयर किया जाता है विद सेक्रेटरी पीए एंड एवरीथिंग, ठीक है, उनके साथ शेयर किया जाता है। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ना, इसको दो टाइप से हम लोग डिवाइड करेंगे। फर्स्ट देख लेते हैं कि देखिए हो सकता है, मान लीजिए आपका एज्यूम कर लीजिए कि आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल है उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आपने अपना जो सेक्रेटरी है या आपका जो पर्सनल असिस्टेंट उनके साथ आप शेयर किए, वो ठीक है, उतना दूर तक ठीक है। लेकिन क्या इंडिया में ऐसा कोई है कि ऐसा कोई सेक्रेटरी है या आप मान लीजिए जो पर्सनल असिस्टेंट है वो आपको क्वेश्चन ड्राफ्ट करेगा, और वो सब क्वेश्चन जो क्वेश्चन एकदम अदानी जी को टारगेट करता है या आप मान लीजिए हीरा चंदानी जी को हेल्प करता है। सो और एक बार मैं आपको बोलता हूं, क्वेश्चन ऐसा ड्राफ्ट हुआ है जो क्वेश्चन इधर अदानी जी को टारगेट हुआ है और वो क्वेश्चन क्या हीरा चंदानी जी को फेवर में गया है, तो ऐसा क्वेश्चन ड्राफ्ट किया। तो ऐसा सेक्रेटरी, ऐसा पर्सनल असिस्टेंट मतलब इंडिया में नहीं है, ठीक है। स्पेशली आप देखिएगा कि बिजनेस रिलेटेड जितना पॉलिसीज है ना, इस पॉलिसीज के ऊपर आप जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसके उस टाइम पे आपका जो इकोनॉमी है उसके ऊपर नॉलेज होना चाहिए, एक्सट्रीम लेवल पे नॉलेज होना चाहिए। आपका जो बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस के ऊपर भी नॉलेज होना चाहिए, गवर्नमेंट का क्या क्या रूल्स है, क्या क्या पॉलिसीज है, उसके ऊपर एकदम क्लियर नॉलेज होना चाहिए। तो उतना नॉलेजेबल सेक्रेटरी और पर्सनल असिस्टेंट इंडिया में वो बहुत ही रेयर है। हो सकता है मान लीजिए 1000 है, 1000 मान लीजिए एक पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी है, उसमें मान लीजिए 10 लोगों को ही आता होगा, 10 लोग तो मैंने बहुत बोल दिया, इवन आप 4-5 लोगों को ही आता होगा, ठीक है। और वो 4-5 लोग महामित्र जी के साथ एसोसिएटेड है, ये मतलब सोचना भी बहुत डिफिकल्ट है। तो ये जो लॉजिक उन्होंने दिया था, तो ये लॉजिक मतलब कोई काम का नहीं है। इसके बाद देखिए, जैसे मैंने आपको बोला पहले ना, इस मुद्दे का दो पहलू है, एक पहले तो हमने डिस्कस कर दिया ये जो पीए एंड सेक्रेटरी है। इसके बाद देखिए ये जो स्टेटमेंट का जो आप ब्रेकअप करेंगे ना, तो उससे ये भी पता चल जाएगा कि मोहम्मित्रा जी ये जो दर्शन हीरा चंदानी जी को एज ए पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी ट्रीट करता है, ये भी हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए आप अपना जो लॉगिन क्रेडेंशियल है ये बोल रहे हैं कि हाँ किसी को आपने दे दिया, ठीक है, वो पर्सनल आपका असिस्टेंट हो सकता है या सेक्रेटरी हो सकता है, तो उसमें क्या हीरा चंदानी जी भी आता है और आपने हीरा चंदानी जी को ये ट्रीट किया है जिसने आपको ये लग्जरी आइटम्स या आपका घर या आपका जो जी मर्सिडीज बेंज का जी वैगन क्लास की सब दिया, क्या आप बोल रहे हैं कि यही पर्सनल असिस्टेंट है या सेक्रेटरी है? ऐसा नहीं हो सकता है। जो लोग आपको खाना देते हैं आप वही हाथ को आप ये काट रहे हैं। इसके बाद देखिएगा कि ये जो अल्टीमेटली उन्होंने ये मान लिया है कि हाँ मेरा जो लॉग इन क्रेडेंशियल है वो क्रेडेंशियल हमने हीरा चंदानी जी के साथ शेयर किया है। इसके बाद एक अदानी जी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है, मैं वो रिस्पॉन्स है होता है ना, बेसिक रिस्पॉन्स, तो इसमें कुछ होता बोलने का नहीं है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि देखिए नेशनल सिक्योरिटी या जो इंडिया का बिजनेस पॉलिसी है उसको कैसे ये सब जो क्वेश्चन बहुत लोग करते हैं ना, तो उसको कैसे इफेक्ट करता है। तो उसके लिए देखिए मैं आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर करना चाहूंगा कि वहां पे देखिए ये राजीव चंद्रशेखर जी है, तो उन्होंने ये चीज बोला है, उन्होंने एक क्वेश्चन था वहां पे देखिएगा कि वेदर द गवर्नमेंट इनएक्टेड डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट फॉर ऑल द सेंसिटिव एंड पर्सनल डेटा व्हाइल द डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इज अंडर कंसिडरेशन। ये देखिएगा पहले एक से चार क्वेश्चन था, मतलब ए टू डी ये क्वेश्चन था, ई क्वेश्चन सही था और एफ में क्वेश्चन था इफ सो प्रोवाइड द डिटेल्स देयर हो। तो आप जब ये क्वेश्चन को आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है, तो उस पॉलिसीज के बेसिस पे क्या होता है कि बहुत सारा आपका बिजनेस में डिसीजन लिया जाता है। तो मतलब ही वही है कि सच में ये सब जो क्वेश्चन उन्होंने किया था ना, ये क्वेश्चन आप जब इसको सही से बैठ के एनालाइज करेंगे तो उससे क्लियरली पता चल जाएगा ये जितना भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा है एकदम कंप्लीट गोज अगेंस्ट इंडिया अकॉर्डिंग टू हर अगेंस्ट ये जो सुसुपोर्टेड डेमोक्रेसी जहां से आपको पैसा मिलता है ना, जहां पे आप एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं, तो उसके अगेंस्ट में जाता है। देखिए ये जो जय आनंद देहाद्री है, बहुत जगह पे ये बोला जाता है कि ये मोहम्मित्रा का फ्रेंड है, बहुत जगह पे ये बोला जाता है कि मोहम्मित्रा का बॉयफ्रेंड है, तो हम इसके ऊपर आ जाते हैं कि ये जो जय आनंद देहाद्री ये कैसे मोहम्मित्रा के अगेंस्ट पे चला गया, ये क्या है। फर्स्ट वो देख लेते हैं, ये मोहम्मित्रा के अगेंस्ट पे इसलिए चला गया क्योंकि इनका जो कुत्ता था ना हेनरी, उनको मोहम्मित्रा जी ने चोरी कर लिया। तो ये उन्होंने ये बोला है और उन्होंने मतलब जयानंद देहाद्री है उनको प्रेशराइज किया टू नील डाउन एट द वीप ऑफ मोहम्मित्रा। तो
उनके हिसाब से अदरवाइज ये चलना है चलो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ऐसा मतलब तात्पर्य यही है। उसके बाद देखिएगा एक लाइफ थ्रेट्स भी आया था, क्योंकि जयानंद यादव ने उसके ऊपर देखिएगा कि बहुत सारा एक लंबा चौड़ा पत्र लिख दिया था। उसके बाद देखिएगा कि जयानंद यादव और ये जो महामित्र का ऐसा नहीं कि रिसेंट कुछ कनेक्शन हुआ है, इवन मार्च में देखिएगा एक कंप्लेंट रेज किया गया था भाई महामित्र जी, और उसके बाद वो कंप्लेंट उन्होंने विड्रॉ कर दिया था। पर जयानंद देहद्री इन्होंने जो कंप्लेंट किया है ना रिसेंट केस में, उस कंप्लेंट को विड्रॉ करने के लिए उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको फोर्स कर दिया गया था। तो ये सब चीजें भी, ये चीज हुआ है, मतलब आप बोल रहे कि जो एविडेंस है उस एविडेंस को भी डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश किया गया है भाई महामित्रा। देखिए महामित्रा जी का रिसेंट क्या रिस्पॉन्स है ये पूरा चीजों के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया है, विक्टिम कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया। जो ये जो जितना ग्लोबलिस्ट है, इस्लामिस्ट है, रेडिकलाइज्ड है, लेफ्टिस्ट है, जिहादी है, इन लोगों का जो एकदम लास्ट रिसोर्ट होता है ना कि हम लोग विक्टिम कार्ड खरीद खेलेंगे तो निकल जाएंगे, तो वही स्ट्रैटेजी उन्होंने महामित्र जी ने अप्लाई किया है। महामित्र जी ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि मैं ही विक्टिम हूं, मैं तो वो अदानी को नहीं छोड़ने वाला। ये हर कुछ अदानी ने किया है, हर किसी ने, पीएमओ, पीएमओ मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, वहां से ये चीज करवाया गया है। तो उन्होंने ये चीज बोला है। अब क्वेश्चन से जब ये चीज आप बोल रहे हैं तो आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि मैंने अपना जो यूजर आईडी मतलब जो लॉगिन क्रेडेंशियल है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो फिर मैंने हीरा चंदनी को क्यों दिया था? क्या वो काम भी पीएमओ ने किया है या वो काम क्या अदानी जी ने करने को बोला था? कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछना चाहिए। लेकिन देखिए ये जो बीजेपी और टीएमसी का अलग लेवल में ये जो नोटा गेम चलता है ना, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बीजेपी और टीएमसी का अलग लेवल का गेम प्लान चल रहा है। टीएमसी ये कोशिश करता है कि ये जो आपका जनरल इलेक्शन 2024 में आता है, मतलब जो लोकसभा का इलेक्शन है, उसमें कोशिश ये करता है कि बीजेपी को थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। और सेम टाइम बीजेपी भी वही करता है कि मान लीजिए आपका ये जो विधानसभा का इलेक्शन है, ठीक है, मतलब जो एमएलए जहां पे हम लोग इलेक्ट करते हैं, उस टाइम पे बीजेपी को उतना सीट नहीं मिला, मतलब मिलेगा, आप उस टाइम पे बोलो क्या करता है, टीएमसी को थोड़ा सपोर्ट कर देता है। ठीक है, इसके चक्कर में पिस्ता कौन है? पिस्ता है ये जो नॉर्मल जो कॉमन पीपल है, या मान लीजिए जो लोग एग्जेजरेट करता है कि हाँ हम लोग टीएमसी का सपोर्टर है, बीजेपी का सपोर्टर है, वही लोग सबसे ज्यादा सफर करता है पूरे चीजों में। अब आ जाते हैं कि महामित्र के ऊपर। देखिए महामित्र का कोई इशू नहीं होगा, मान लीजिए इन्होंने ये जो काम किया है, एक्सट्रीम केस में सोच लीजिए, ठीक है, जनरली तो नहीं होगा, बट एक्सट्रीम केस में आप सोच लीजिए कि उनको टीएमसी से निकाल दिया गया, तो उसके बाद क्या होगा कि इधर वो कांग्रेस से मिल जाएगा, मतलब किसी ना किसी जगह से उनको मिल जाएगा। ठीक है, मिलकर वो एकदम डायरेक्ट लोकसभा में जा सकती है। अब मान लीजिए लोकसभा में भी नहीं होगा तो फिर राज्यसभा से भी वो जा सकती है, वो किसी का भी हो सकता है। ठीक है, इवन आप देख लीजिएगा कि एक टाइम पे ये भी हो सकता है कि वो टीएमसी कूद के बीजेपी में चला जाएगा, बीजेपी आराम से वो एक्सेप्ट भी कर लेगा। जैसे ये हुआ था कि आपका महाराष्ट्र में ये हुआ था, एनसीपी को पहले वो हर किसी ने बोल रहा था कि ये चोर है, लेकिन उसके बाद क्या किया, वो सब चोर बीजेपी ने ले लिया। इसके बाद बहुत लोग ये कोई बोल रहा है कि उनका सस्पेंशन हो जाएगा या उनका जेल होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि महामित्र जी एसेट है बीजेपी का, तो इतना इजी से तो वो नहीं छोड़ने वाला। और ये सब इन लोगों को तो देखिए मोरली इथिकल इट इज रॉन्ग, डेफिनेटली इट इज रॉन्ग। उन्होंने जो काम किया है वो नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है, लेकिन इंडिया में क्या होता है, जो नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है उसका ह्यूमन राइट्स बहुत ऊपर चला जाता है, तो जिसके वजह से मुझे लगता नहीं कि वो सस्पेंशन भी नहीं होगा और जेल नहीं होगा। इसके बाद तो फिर वो कंटिन्यू करेगा, ये जो स्क्रीमिंग हॉलीवुड ये सब जो काम करता है वो चलेगा, उनका जो काम है वो कंटिन्यू होगा। अब थोड़ा जो वीडियो के एकदम एंड पे हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्ट क्या क्या क्वेश्चन सही से करना चाहिए। क्वेश्चन ये करना चाहिए कि महामित्र जी को किसने अथॉरिटी दे दिया कि बंगाल के जितना लोग है इनके साथ बेईमानी करने का, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि किसने इंसल्ट करने का पूरा एकदम प्रिविलेज दे दिया, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। देखिए महामित्र जी का जो ये जो काम है, उन्होंने जो जो चीज किया है, इसको आप थोड़ा ये जो पैलेस्टाइन गाजा में जो इशू चल रहा है ना, इसके साथ भी आप इसको इक्वेट कर सकते हैं। गाजा में जो लोग रहते हैं, ठीक है, आप सोच लीजिए महामित्र ने ये सोच लिया कि बंगाल में जितना लोग हैं वो एकदम इक्विवेलेंट है, उस आईक्यू लेवल में है, तो ये वो सोचता है। एट द सेम टाइम आप महामित्र जी को हमास के साथ भी आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा कि ये जो बोल रहे हैं ना कि बहुत लोग कि गाजा को एक ओपन एयर प्रिजन बना दिया है, लेकिन आप बंगाल में जब आप आएंगे ना तो वहां पे देखिएगा कि ये टीएमसी, इसके पहले सीपीएम, इन लोगों ने उसके पहले कांग्रेस, ये लोग क्या क्या है कि बंगाल को ऑलरेडी एक ओपन एयर प्रिजन बना चुका है। तो यहां से तो एकदम क्लियर है कि देखिए महामित्र जी का कुछ ऐसा होगा नहीं, और वो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की बहुत अभी कोशिश कर रहा है, कर रही है। इसके बाद देखिएगा कि मान लीजिए महामित्र जी को आप छोड़ देंगे ना, तो इसके बाद क्या होगा कि ये जो मान लीजिए गिफ्ट लेना या मान लीजिए कुछ एक्सपेंसिव लग्जरी आइटम्स लेना, उसके बाद क्वेश्चंस करना, ये सब चीजें देखिएगा इंडिया में नॉर्मलाइज हो जाएगा। अभी तो देखिएगा कि महामित्र जी ने ये काम किया है, आप जब ये सब चीजें नॉर्मलाइज कर देंगे तो उसके बाद देखिएगा कोई एमपी एमएलए सेम काम रिपीट होगा। इसके ही चीज बाद में क्या होगा, ब्रांडेड हो जाएगा कि एज वुमन एम्पावरमेंट, ठीक है, अगेंस्ट पैट्रियार्की ये रेज हुआ है। विद दिस थिंग्स लेट्स रैप अप दिस वीडियो फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। व्हेन अ पर्सन डजंट लाइक यू, दे टीम अप विद अनदर पर्सन दैट डजंट लाइक यू. And before you know it, there's a whole slew of people that hate you. But here's the thing, those people, they don't even like each other. They're only gathered because of you.
See how powerful you are?